हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक स्पेशल जगह आपको घुमाने वाला हूँ। है मेरे गांव के बगल का, लेकिन मेरे को पता नहीं था, आज ही मेरे को पता चला है और मैं उधर जा भी रहा हूँ, तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। तो मैं अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, रेलवे ट्रैफिक है, वहीं पर मैं फंसा हुआ हूँ। यहाँ से जैसे ही निकलेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। चलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मेरे सामने से ब्लॉग रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, जिस जगह पर हम लोग को जाना है वहीं हम लोग निकलेंगे। तो देख, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जेसीबी लगा हुआ है और ये गाड़ी लगे हुए हैं कुछ, और ये फाटक अभी बंद है क्योंकि एक साइड का भी क्लियर किया जा रहा है। इन लोगों को जैसे ही क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फाइनली, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा एक गाड़ी भी बीच में फंस गया था, तो उसी को निकालने में लग गया था हम लोग भी, क्योंकि डिले हो रहा था, हम लोग को भी जाना था। और सूर्यास्त का समय आप लोग देख पा रहे होंगे, सूर्य भगवान अब धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा उसको भी हेल्प कर दिया जाए। तो उनको उठाने के बाद हम लोग यहाँ से फाइनली निकल चुके हैं। दोस्तों रास्ता बहुत ही ख़राब है, रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो चलिए देख सकते हैं कितना अपलोडिंग में है मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे, जहाँ पे वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये पुल है, इसी के सामने है वो रहस्यमय चीज़, और कोई रहस्यमय नहीं भाई, वो उतना मतलब है उस जगह पे, उसका कुछ है वैल्यूबल है। तो चलिए आप लोग यहीं पे कुछ व्यूज दिखा देते हैं। और मैं पहले गाड़ी को पार्क करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो हम मैंने अपना गाड़ी पार्क कर लिया है, अब गाड़ी को करते हैं बंद। और बंद करने के बाद दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, ये देख सकते हो हम लोग निकल रहे हैं अब गाड़ी से। ये मेरा वैन बॉडी गाड़ी है, फ्यूज भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। अभी नदी है, लेकिन यहाँ पे नीचे स्तर में पानी नहीं है, नदी सूख चुका है, और ये भी नवंबर का महीना है, पानी मतलब इसका लेवल पूरा ही डाउन है। ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये एक पानी का लेवल जा रहा है जो कि नदी से ऊपर है। तो ये कहाँ से आ रहा है ये आपको दिखाऊंगा मैं, ये देख लीजिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक चापाकल है जो कि इसको कोई चला नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पर मतलब पानी एक लेवल पे चल ही आ रहा है। और ये दोस्तों ये एक आध दिन की बात नहीं है, ये 12 महीना ऐसे ही पानी निकलते रहता है। तो यहाँ पर अगल बगल के जितने भी गांव हैं, यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं, सारे लोग यहीं से आके पानी लेके जाते हैं। ये देख सकते हो ये जगह जो है, आप लोग यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं, मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पानी एक लेवल पे चल रहा है और ये 12 महीना इसका पानी आते रहता है। चलिए पाँच दो लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतने का था, तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।